Here we go. हाँ जी back again. अगेन बेराम काजी मेरे साथ है हम तो काम कर करके थक गए लेकिन साथी अच्छा मतलब इतने दिनों से हम वेट कर रहे हैं कि यार ये और कर दे, तो हम एक ना yeah. सा पॉडकास्ट कर दें से पहले. Yeah. अब, अब कोई इफ्तार पार्टी है संडे को <laughs> उससे पहले तो मुझे लगता है स्क्वाड नहीं अनाउंस होनी ना ही कोच का पता चलना है सो वी द पॉइंट एंड रिकॉर्डिंग इतनी चीजें हो गई है सो मच इजन इन पाकिस्तान

क्या वो गॉड रेस्ट ऑन द सेवंथ डे वाली <laughs> चीज को पीसीबी ने नहीं कोई yeah. दी बट या दिस इज इनफैक्ट गोइंग टू बी द लास्ट पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट आफ्टर ईद ठीक है उसके so. बाद प्रीव्यू होगा uh -huh. सीरीज का जो हम करेंगे तो hmm. इसलिए आज बहुत बातें करने वाली और शादी मेरे ख्याल से वॉट बेटर प्लेस टू स्टार्ट देन द दैप्टनसी फिया या द दाइम लाइन वो मल्टीवर्स ऑफ कैप्टनसी हो गई है इस वक्त तो ये पता नहीं सो yeah. so,

अजीब था मीडिया का तो हमेशा होता ही है उसका भी बहुत गंदा था टू सम प्लेयर्स का भी थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि था

So the fan wars literally like are, are a waste of time, waste of time. Uh, and a waste of energy if you really ask me. Haan.

You know press releases, releases आएंगी आईं थी जिसमें एक तो they were ill timed ऊपर से they threw people under the bus regularly 100%. आप वही करते थे कि हम अपना तो साफ करें आप किसी और को road अब दो. I'm not sure कि आपका इसके अंदर कितना हाँ, role था कि हुँ. आपको directions मिल रही थी yeah. कि यही करना है या नहीं करना शायद इसी वजह से आपने design किया we're not sure on that perhaps you were only following orders most probably you were only following orders but it's a tainted regime just because of those press releases because sometimes I felt like यार press release बस

Hmm. तो आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी शुरू में क्योंकि पहले पढ़ लेते हैं सारे hmm. प्रेस रिलीजेस जिसने कवर करनी होती है वो पहले कवर कर लेता है वो तो होगी कवर hmm. लेकिन बाद में उन्होंने मेंट करके उसका नाम डाल दिया मुझे लगता है नाइन्टी नाइन परसेंट चलो क्या पता जितने दरख्त कटते हैं उस वगैरह का डेटा रखता हो अफजल

आए वापस कैप्टनसी की व्हिच इज द हुक जो हमने yeah. डिले कर दिए शो की ठीक है बट बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है मोहसिन नकवी की जिसके इस उस टाइम पे तो मैं याद है हम बड़े खुश हो रहे थे कि यार वहाब की पावर ऑफ एस चीज सिलेक्टेड डाइल्यूट कर दी है नहीं, अपना खुश तो नहीं हो रहे थे लेकिन कॉन्टेंट हुए देवर अ फ्यू पॉजिटिव राइट उसकी वहाब की पावर एस चीफ सिलेक्टेड डायल्यूट हुई थी फिर हारिस राउफ का कॉन्ट्रैक्ट री हुआ था यू नो things were sort of moving in a positive direction which which was was um, you know something which was unexpected un point unexpected. हाँ, unexpected. हल्का सा वो हो रहा था कि डेटा एनलिस्टिंग सेम प्र नकवी basically said के यार uh, मुझे भी नहीं पता शाइन कप्तान हो तो आपने वो क्लाउड ऑफ uncertainty डाल दी शाइन की कप्तानी के ऊपर यार इसमें सबसे बड़ा जो मसला था ना बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ दिसगेस्ट इल इज दैट यू केप्ट शाहीन इन द डार्क थ्रू आउट आपने उससे बात ही नहीं की तुमने बोला था इस शो पे इस सबसे पहले के यार है लीडरशिप क्रू जिसके अंदर रिजवान बाबर शाहीन शदाब no. सबको एक कमरे में डालो और or, ये बातें करो शॉर्ड डॉ देन वी कैन कॉल इट रियाल पॉलिटिक कुछ ही माई क्लेम दिस टू बी बट आई कॉल इट शिट हाउस बट खै बेसिकली आई थिंक नॉट हैविंग एनी कम्युनिकेशन विद हेम एग्रीवेटेड और आपने अगर इस तरह की कोई हार्ड कॉल मेक करनी थी ना आई कैन ईवन अंडरस्टैंड दैट हालांकि हमने बोला कि, कि शाहिंसा यह होना नहीं चाहिए था पिछले mm -hmm. शो में भी बोला है आप कप्तान बनाते हो तो आप लॉन्ग रन के लिए बनाते हो यू गिव दम टाइम ठीक है बट mm -hmm. अगर आपने एक टफ फैसला लेना है तो यू हैव एवरी वन इन द रूम

नहीं मेर, मेरा पॉइंट ये था अगर बाबर की डिमांड है इफ hmm. बाबर wants to become an all -format captain, hmm. वो उसने डिमांड आगे रख दी आप ना एक्सेप्ट करो hmm. मसला थोड़ा सा है इसमें भी भी मैं बोलूंगा, 5 -10 बाबर hmm. का भी था is, लेकिन, uh, well, right? लेकिन असल मसला पीसी का है हैंडल the थिंग्स यही hmm. बात अगर आप लोग uh, मतलब रियलाइज अगर हम

Sure, रिजवान, बाबर, शाहीन और इनकी है आपस में दोस्ती थी ये है है पता यार मतलब एक well unit लगता well है ना unit था अब और, आपको लोग कह रहे हैं कि हाँ। की लोगों को so, और तब भी पीसीबी के, के मसले थे और ईगोस के मसले थे इस दफा तो पीसीबी ने सारा गंध फैलाया मेरा मानना यही है प्लेयर्स का इसमें रोल कम था क्योंकि जब जिस तरह की हम देख रहे थे ये टीम डेवलप हो रही थी एज अ यूनिट

ट करेंगे प्रॉपर तरीके यू डोंट इवन हैव टू टू से दैट hmm. वो उसे भी पता होगा कि यार वर्ल्ड कप तक वर्ल्ड कप के बाद इवेल्यूएट करेंगे आके आपने कॉन्फिडेंस देना था उस वक्त कि यार वर्ल्ड कप तक तुम तो हो दैट इज इट यार आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड आई एग्री कि पीसीबी का मेजर uh, yeah. uh, रोल uh, uh, uh -huh, yeah. right? <laughs> <laughs> है यार स्क्रू अप में देयर यू गो आई फाइनली फाउंड अ वर्ड व्हिच वोंट ब्रेक माय फास्ट राइट बट यू गाइस गेट द ड्रिफ्ट ठीक है बट मैं यह बात बताऊं कि थोड़ा सा इसमेंट से आ, एक तो यार बाबर कह सकता था कि मैं इस तरह आपसे अकेले मैं आकर बात नहीं कर सकता फिर बाबर ये, ये कह सकता था यार देखिए आपने अभी पीछे यही किया था एग्जैक्टली ठीक है एंड यू डेंट हैंडल थिंग्स प्रॉपरली शाहीन भी इस तरह मिसट्रीट हो जाएगा ये बात हो सकती थी अब

काम डाउन हुआ करो और फिर काम किया करो प्रोसेस को पॉलिटिक्स नहीं बनाया खैर कमिंग बैक टू बाबर एंड आई थर्डली एग्री विद साद और वो कहता रहता है बेचारा फिक्स योर सेल्स योर सेल्स कितना बोले वो ठीक है uh, रमजान खत्म हो तो वापस मार्क्स भी लाएंगे हाँ बट एनीवे बाबर जो है इवेंचुअली डिडंट गेट हिज एंटायर डील

लोग जो है बाबर को इस चीज पे बख्शते नहीं है कि ये आ, फाइनलों में हारा है यही मसला है ना लोगों को कि ये क्रंच टाइम पे आकर मैच हार जाता है सेमीफाइनल हारे हाँ। फाइनल हारे एशिया कप का फाइनल हारे टी ट्वेंटी आप बॉटल करते हो एक ये तरीके के यार आप पहुंचे वहां तक ठीक है मेरे लिहाज से हाँ बॉटल नहीं है मेरे लिहाज से वहां तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है अच्छी अचीवमेंट है इट्स स्टिल मुझे लगता यह है कि बाबर एज ए कैप्टन की सीलिंग है वो अच्छा आई मैं तो तो पता है हूं मैं यह मानता हूं कि आप कह सकते हो कि प्रेशर में बकल कर जाती है टीम ठीक yeah, है इस बात में आप सच सहमत हूं पाकिस्तान कप फाइनल yeah. yeah. 130 मुश्किल था डिफेंड फाइनल में पहुंच गए थे वैसे 2022 वर्ल्ड कप की अगर बात करूं ना तो फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम बाहर थे पहले पॉइंट इस ठीक है वो हारता रहे फाइनल्स मगर चलो एज अ कैप्टन उसका रिकॉर्ड वहां तक पहुंचाने का बुरा नहीं है आई एग्री लॉट्स ऑफ होल्स इन बाबर्स टैक्टिक्स ठीक है बट देन व्हाई आई एम चैलेंजिंग योर स्टेटमेंट इज बिकॉज आई फील लाइक राइट नाउ बाबर आजम इज द बेस्ट कैप्टन इज एवर बिन ठीक है बाबर आजम बट कैप्टन बट देर सो मच बैगेज

बात है से मैं वही कह रहा हूँ बाबर की सीलिंग है फाइनल उससे ऊपर नहीं जाता वो पता नहीं ये तो बाबर तुम्हें बताएगा आ, ब्रो <laughs> देख आज तक आई लव बाबर मुझे बुरी बात करते हुए भी थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन आज तक अपनी कैप्टनसी में वो कोई टूर्नामेंट नहीं जीता

Uh, it? उसको भी, भी शाहिंग का जरा सोचा चाहिए अगर आपके साथ आपको आप लगता है बुरी चीज हुई भी है तो आप किसी और के साथ तो वो नहीं कर सकते ठीक है और दूसरी बात यह है कि मुझे वो अथॉरिटेरियन स्टांस थोड़ा ऑफ लगा था आई अंडरस्टैंड यूर पॉइंट मेरी कंडीशन है फिर ठीक है उसने अपनी कंडीशन ही सामने रखी देखो मैम मुझे जो फीलिंग आती है ना अब फॉर एग्जाम्पल मैं टू एक राइट आई कम टू यू फॉर ए जॉब

अपने कॉम्बिनेशन हाँ। के हिसाब से सोच रहे हैं वो दोस्ती यारी वाली बकवास में नहीं सोचे शुक्र है हम उस दौर से निकले अब कहीं वापस ना चला जाए सीन नहीं मगर अब आमिर और इमाद है ना टीम में इंटरेस्टिंग

Good thing. यार a... पहले, पहले भी बहुत अच्छे दोस्त होते हुआ था, तो ये दिनर शिनर दिनर हुआ था।, हुआ था मुझे ऑफ लगता है अपने कैरेक्टर में इमाद इज गोइंग टू बी प्रोफेशनल अबाउट दिस और यार दोनों टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए तो आ रहे हैं इट्साइनमेंट दो प्लेयर 100% परसेंट आ रहे हैं बाकी किसी का अब तो बाबर भी कन्फर्म हो गया बाबर इमात एंड आमिर ये तीनों ऊपर भी कंफर्म्ड अब ड्रॉप तो हो नहीं सकता इस <laughs> सबके बाद

What I meant by that was के आपने अकेले जाकर अगर बात कर ली है चेयरमैन ने इसमें चेयरमैन का भी बैक स्टैपिंग so, का वर्ड यूज किया था उसमें हाँ. मुझे समझ नहीं आई वो मुझे कह रहा था तुम्हें मुझे रहा भी था, समझ नहीं आई मैं कह रहा था जिस बारे में क्लियर कर मैं अपनी बात बैक स्टैपिंग में कही नहीं थी मैंने कहा लोग कहते हैं ट्विटर पर असल में ना यू नीट है स एंड स्टेक होल्डर्स एट देशन एंड वन बट वे अगर आपने इस तरह की मेजर मीटिंग करनी आप बाबर को अकेले चुप कर नहीं ले जाते uh. ठीक है आप no. दूसरे बंदे को इन द नो रखते हो और फिर क्या ड्रामा हुआ है अच्छा ड्रामे से पहले जरा वो इफ्तार वाली वो सॉरी जवाब का अर्ली टू था क्या पता नहीं मगर वो तो गाना लगा देते ना उस वीडियो पे वही लग रहा था कि वो जी रस्सियां हैं इतनी बड़ी नसीम ने जंप मारी है मुझे डर लग गया यार मेरे कहा भाई क्या जंप मार रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग डो नॉट अंडरस्टैंड हाउ सोल्जर ट्रेनिंग कंधों पे बंदा लेकर जा रहा है उसकी कमर का हाँ। सोच लो आर्मी की गलती नहीं है इसके अंदर हाँ नहीं, नहीं नहीं आर्मी तो, 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 तो एक हाँ। बात बताई गई है वो कर रहे हैं उन्हें हाँ। क्या पता स्पोर्ट साइंस का उनको क्या पता स्पोर्ट साइंस का सो एक तो अवल तो यार वी नॉट गोइंग टू नेम द प्लेयर बट ऑफ द रिकॉर्ड अ प्लेयर डिड मेंशन टू यार ये या लगातार एशिया कप से नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलते mm. आ रहे हैं अब आप कैंप में भेज दोगे टाइम uh, ही नहीं है, है क्योंकि mm. अब न्यूजीलैंड की सीरीज है दो अंडर टू वीक्स न्यूजीलैंड सीरीज है उसके बाद वी तो तो पे आयरलैंड के साथ खेलने mm. इंग्लैंड के साथ खेलने और फिर टी ट्वेंटी वर्ड सो अवल तो फिटनेस कैंप की मुझे लगता है इस वक्त जरूरत नहीं थी अगर आपने कुछ करना ही था ना आप स्पेश्सोर mm. डिलीवरी I mean, mm. हाँ. uh, और, और बाउंसर उन चीजों पे काम करते स्पोर्ट्स साइंस वाले डॉक्टर्स भी आप लाओ और डायटिशियंस लाओ इनकी डायट पे वो तरह काम करें उनको बताएं कि ये वाली एक्सरसाइज करो क्योंकि ये वाला आपका जो है ना इस एक्ट एक्टअप कर रहे हैं सो दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वुड डू यू वेल और सर्व यू वेल दैट स्टफ वुड बिन ग्रेट डॉक्टर्स की तुमने बात की उस पर आने अभी हाँ, आने. आएंगे सेव योर ब्रेथ बट टू से

नसीम अभी अभी इंजरी हाँ। से वीन स्टिल नॉट बैक टू हंड्रेड परसेंट वी बिलीव तो आपको तो ध्यान से चलना चाहिए इस टाइम पे एंड यू शुड हैव वेरी यू नो क्या कहते हैं आप एक तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग करो स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग करो और फिटनेस वाली भी वो चीजें करो जहां पे कहीं आपको लग रहा है ना कोई इंप्रूवमेंट चाहिए उनकी बॉडी में पर्टिकुलर मसल और समथिंग फिक्स दैट इस तरह आर्मी में यार वरना तो फिर सोल्जर्स से ही करा खिला लो क्रिकेट

कहीं ना कहीं nee, तो ना। ना, कही ना कही तो यही बात होती है आप हर एक को एक चीज पे जज नहीं।, नहीं कर सकते आजम खान को आपनेगा कर लेना मतलब जितना भी भगा लो आजम खान की स्पीड नहीं बढ़ा सकता ठीक है किसी और की स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हो लेकिन आजम खान जितनी नहीं बढ़ा सकते अगर आपने आजम को वाकई सीरियसली कुछ बोला ना बोलो आजम ये तुम्हारी डाइट है hmm. ये तुम्हारे फिटनेस रेजीम है तुमने बस ये फॉलो करनी है कुछ भी हो जाए ही कम्स फ्रॉम प्रिवलेज ठीक है इफ ही के नॉट अंडरस्टैंड नो यू नो उसको प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए न और ये सिर्फ आजम खान की बात नहीं है ये सारे के सारे जो इस कैंप में होते हैं ना लड़के जो खुद कर ले वो कर ले हाँ, जो नहीं करना चाहता वो तो जा के खाएंगे आराम so, से I, I know, भी नहीं। uh, कोई गुलाब जामुन की सीन चला था मामूल हक कोई बातें कर रहा था गुलाब जामुन का बड़ा दिल कर मतलब ये वाली सीन होते हैं इनके तो, तो मगर वो छक्को वाला ठीक है burnout. I mean, ठीक है I agree, अच्छी बात होती है ट्रेनिंग camp, अच्छा है hmm. सही है कुछ इस तरह की उसमें चीजें होंगी जो बहुत ज्यादा फायदा दिया होगा प्लेयर्स को लेकिन कुछ इस तरह की रिडिकुलस चीजें थी ना जो मुझे तो लग रही वही तुमने इंजरीज की बात की है मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था साय जो बंदा चुप के हाँ अलग इसकी कमर पे चुप पड़ गए नो लुक शॉट को बिल्कुल खत्म ही ना कर दो आप तीन चार हफ्ते तो गया ग्यार हाँ फिर क्या करोगे यार कुछ चुक पड़ सकती है कुछ बंदे का मसल पुल हो सकता है क्यों आपने बंदा क्यों उठवाना है उससे उसको क्रिकेट में कभी बंदा उठाना पड़ेगा इस तरह

ये भी तो चीजें ना पीपल डू अबाउट नकवी मुझे एक ट्वीट याद आ गई जो कि हर एक ने कॉपी की हुई थी mm -hmm. पता नहीं शुरू किसने की थी लेकिन हर जगह मैं यही पढ़ रहा था पीसीपी uh, चेयरमैन मोहसेन नकवी

मैं एक बात अच्छा, मुझे बताऊं एक सॉरी 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 वो बात काट रहा हूं ये जो रोजे वाली बात की है ना इज सो ट्रू गाइस क्योंकि जब हम रोजे में नहीं होते थे ना इस तरह की चीजें नहीं होती रमजान रोज़ा जी। जी। अच्छा एकदम ब्रेन फीड हो जाता <laughs> बात करते करते ब्रेन फीड हो जाता है अच्छा हाँ अब तुमने you. मेरा ब्रेन करा अपनी तुमने इंटरजेक्शन मार करना, complete, like, तो 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 करना चाह रहा था मुझे बात याद माय गॉड oh ना मुझे याद oh. बात ठीक है मैं मोहसिन नकवी को कह रहा था कि चल तूने जितनी भी चीजें करनी है कर पांच नौकरियां करनी है कर ले ठीक है ओके मोहसिन भाई मैन टू मैन I will forgive everything if you can give me three things. Oh. Give me a women's league Take Pow, pow, Give me. Bow.

आई मीन I mean, माफी तलाफी की काफी भराई काम नहीं ये वाला सीन भी हो सकता है तुम तो शायर बन गए बैठे-बैठे तो गुमान नहीं सुना तूने तलान जूंगा इतने गौर uh, से नहीं यंग का मैं well, यंग स्टैंडर्ड्स की मेरी बस वो ग्रूव मेरा तक ही पहचान है ज्यादा बस, बस, बस यार आई मीन आई नो दैट आई हैव हर्ड द नेम ऑफ द सॉन्ग गुमान ठीक है मगर आई वाज ऑलवेज मोर ऑफ अ फारुश शाफी का गायर हम फारुश शाफी कम्स टू रैप हां ही इज गुड टू

तब आपको वर्कलोड ही ख्याल नहीं आई बात नहीं आपके दिमाग में हम ये बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट इट ऑन पॉडकास्ट यार बाकी सब चीजें साइड पे ठीक है ऑल फेस सेविंग है ना ये हेर फेविंग आई एम रेडी टू गिव शाहीन टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन हिम बट डूड ही इज हैव टू प्ले एवरी टी20 और विल प्ले एवरी टी20 टी20 तो ठीक है टी20 चार ओवर्स में अभी भी तो कोई मसला नहीं है नहीं। लेकिन उस टी20 को उस टी20 के लिए वो टेस्ट को एक्टली exactly, वो रेस्ट ही नहीं करेगा T20's में ऊपर से आई वांट शाहीन टू प्ले एवरी सिंगल टेस्ट मैच ठीक है जि exactly. जितने टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलती है ना लुक्स टूथलेस हमने तो तब ये आ, 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 रेस की थी, ah. तो अब आप अगर वर्कलोड की बात करें तो आपने बनाया वर्क लोट यू आर ट्राइंग टू प्ले रियल पॉलिटिक इन योर ओन आइज के हम यू नो अपने मोरालिटी को साइड पर रख देते हैं एंड वील ट्राई टू डू वॉट वी थिंक इज राइट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट वाइल्स That does work in some occasions. You have to take the kid on board. स्टिल is still 22, 23. ठीक है फिर आपने उसको कोट कर दिया शादी कि शाहीन ने ये सारी अच्छी अच्छी बातें की कि I रिलिस्ट my time, बाबर के बारे में अच्छी एक 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 बातें जिसको नहीं उसको पता उसको बता देंगे बताओ क्या बताओ जब बाबर आजम की कैप्टनसी अनाउंस हुई है तो उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली जिसके अंदर शाहीन अफरीदी का एक कोट दिया हुआ था उन्होंने hmm. कि आई हैड वंडरफुल टाइम एज कैप्टन लेकिन चलो मैं बाबर आजम को अब सपोर्ट करूंगा ओनली एम इज टू विन दर्ल्ड का कुछ था ना विन कप नाइस एंड रोजी नाजी जो know? भी हो गया उसको पीछे छोड़ देते हैं अब आगे बढ़ेंगे हम पाकिस्तान खुशगवार हो जाएगा इस तरह की बातें Uh, पता ये चला कि शाहीन ने तो कोर्ट दिया ही नहीं था हाँ, शाहीन ने आकर रिफ्यूज कर दिया अनदर प्रेस रिलीज जो पिछले मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड पे आती है अनदर प्रेस रिलीज के मिस कोर्ट कर दी मिस कोर्ट क्या कोर्ट लिया ही नहीं उसको उठा के उसका कोर्ट के वो क्या ही बोलेगा शाहीन वाज़ पिस्ट ठीक है बहुत बनता है पैसों ना बिल्कुल बनता है बे, बे, पहले आपसे इतना हादसा हो रहा हो ठीक है कि आ, आपको इन दिनों भी ना रख रहे हो आपको कुछ बता नहीं रहे आपको दूसरी जगहों से पता चल रहा है कि क्या चल रहा है कैप्टनसी में बेड मैन देना है मैं really? तो वहां पे फट फटता आई एम प्रीटी श्योर शाहीन फटा होगा I mean, बाहर तो नहीं आई इनकी है 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 ये जो 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 भागा ना पे जाकर फोटो आप जो इसने आ, की है, जो awkward फोटो इसने कि जिसमें आमिर हाथ को देख रहा है उनके <laughs> <You एक laughs> क्रीपी तरीके से आमिर देख रहे हैं उनके हैंडशेक को यू कैन टेल इज लाइक मिफ्ट ठीक है अभी यहाँ पे फोटो ऑप के लिए उसने हल्की सी हंसी दे दी है वरना ही इज नॉट था और क्यों ना हो फिर आपकी जो पीआर फिक्स्ड जॉब चल रही है पूरी यू you नो know, कि ओ हम वहां पहुंच जाते हैं अभी नहीं कुछ बात करे शाहीन कोई रिलीज रिलीज ना कर दे स्टेटमेंट तो so बेसिकली हां शाहीन आ, तो कहने लगा था कुछ शाहीन की स्टेटमेंट आने लगी थी आने लगी, लगी थी बस उसको रोका गया कि अभी नहीं मोसिन साहब आ रहे हैं का डिस्कशन cool करते हैं ये वो तो फिर वो रुका है

इस तरह की थी मुझे एग्जैक्ट कोट नहीं याद लेकिन ये था कि मतलब अगर इसी तरह लोग लगता है कि मैं बड़ा अच्छा हूं और मैं अच्छा ही रहूंगा लेकिन अगर मेरे साथ ज़्यादा इस तरह की हरकतें करने लग गए तो मैं फिर बेस्ट पीसीब बैलेंस ऑफ द ड्रेसिंग रूम ऑलरेडी थोड़ी सेंटिटी मुझे लगता है खराब हुई हुई थी इन्हीं ने की हुई थी हाँ। इनकी मल्टीपल चेयरमैनशिप uh, ने की हुई थी ठीक हाँ। है. हर एक चेयरमैनशिप ने आकर गंद डाले

दूर दूर तक लेना देना नहीं था तो ये लिए लिए, आप जाकर दूसरे प्लेयर से बात कर रहे हो कप्तान से बात किए बगैर उसको आपने कुछ भी नहीं बताया हुआ उसको बाद में चीजें पता चल रही है उसके बिहाफ पे आपने कोर्ट रिलीज कर दिए तो तपना तो उसका बनता था इन लोगों को पता चल गया था बिकॉज ये भागा गया बहुत बड़ा और ने ने ट्वीट भी किया कि आज शाहीन की स्टेटमेंट नहीं आ रही और फैजान लखानी जो कि इस सेंसेशनलिज्म से भरी हुई इंडस्ट्री में एक हमारे बहुत सॉलिड किस्म के पियर है ठीक है लव यू फैजान भाई <laughs> फैजान भाई ऑलवेज मैं ये भी बात बताता लोगों को कि आपको लगता होगा ना कि हम जब जाते होंगे सीनियर से बात करते होंगे तो क्या बातें होती होंगी फैजान भाई से जब मैं जाता हूँ ना इस तरह की बातें करने तो ही ऑलवेज टेल्समी कि बेराम चेस एक्सलेंस डू नॉट चेस फेम

That could be like like a weird like, movie poster. ठीक है कि क्या हो रहा है यहाँ पे फिर सारे बैठे हुए हैं उधर अच्छा खैर अच्छा इस बाद? सब के दौरान hmm. सारी चीजें हो रही हैं वहां पे जी शादाब साहब जो हैं अपने पोस्टर लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इन द मिक्स फॉल दिस

पता नहीं, असल इंजरी भी है या नहीं। आ, तो अपोलोजाइज इन पर्सन किया हुआ था ये न्यूज जो भी ब्रेक हुई तो फिर उस पर शदाब ने रिप्लाई किया हुआ था कि, नो वरीज गुली भाई और ये वो ठीक तो है ना? नहीं नहीं कुछ इस तरह कुछ एक इस तरह एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद उसके

बाबर साहब के जो वाले थे जो जिनके लिए बड़ी इज्जत है आ, बड़ी उन लोगों ने मेहनत की है बाबर को क्रिकेटर बनाने में बहुत बड़ा हाथ है उनका बड़ी उन्होंने मोटरसाइकिल वाली राइडें की हैं दूर दूर तक छोड़ा है बट यार इस तरह आकर टीम की सेंसिटिव प्राइवेट बातें करना कि आई हैव टोल्ड बाबर के आमिर और इमाद के साथ अच्छा बने ये बातें सही नहीं है ये गलत है I mean, uh, we're all curious to see how Babar works with Ahmed and yeah, mujhe, mujhe <laughs> I said, Ahmed and <laughs> <laughs> It is literally, I a tweet that Pakistan cricket, and I probably said it on the show as well at some point. Uh, right now, not just the cricket, but the country as a whole looks like one maniacal TV show. Nah. It's a soap opera on steroids with an amputated limb and an overgrown adrenal gland. <laughs> आई मीन ठीक है बहुत ज्यादा तुम डिटेल में चले गए हो मुझे या नेटफ्लिक्स yeah. को चाहिए कि uh. पकड़ ले एक कुछ भी नहीं करना उन्होंने hmm. उन्होंने बस ड्रोन रखने बागजान के ऊपर <laughs> और हर चीज कैप्चर करनी ऑल और नथिंग अगर हमारा बन जाए ना oh किसी दिन जिसमें बाबर के अबू को भी डाल दो आई <laughs> मीन I mean, होना तो एंड पे नथिंग ही है लेकिन एंटरटेनमेंट गाइस एंटरटेनमेंट जो होनी है एंटरटेनमेंट गारंटीड बट ऑनेस्टली इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग ठीक है क्योंकि लुक

बट yeah, लाला yeah, sure <laughs> को ये रियलाइज करना चाहिए यू हैव एन ओपिनियन के अच्छा अगर शाहीन को तार नहीं <laughs> तो आरना ही था फिर तो बाबा की जगह रिजवान को बनाते थे <laughs> पता है, आपस की बात है साथ और मेरा भी थोड़ा बहुत ये ओपिनियन <laughs> था सही है वी वर जस्ट कंसर्न रिजवान इज नॉट एन ऑटोमैटिक सिलेक्शन इन द स्टार्टिंग इलेवन इन ठीक है। इन द टीम इज एन ऑटोमैटिक सिलेक्शन स्कॉड इन स्टार्टिंग इलेवन ठीक है स्कॉड में तो है। स्टार्टिंग इलेवन में ऑटोमैटिक नहीं हमारे में, में बन रहा, मेरे रहा था। भी, म, अगर है अगर तो मैं बना लेंगे जगह अगर मैं mm. वैसे यही होती कि हाँ। लेकिन अगर कैप्टन नहीं है तो फिर नहीं और रूपर से यार, अगर नहीं बना ठीक है तो आप आकर ये स्टेटमेंट तो मत दो कि फिर को ही बना देते बाबर को क्यों बनाया ठीक है आप भी अभी थोड़ी देर पहले सिलेक्टेड रहे थे वी अंडरस्टैंड uh, जो लोग कहते बाबर को नहीं बनाना इट्स बिन वेल डॉक्यूमेंटेड हम कितने और पॉडकास्ट करें बाबर की पे मगर एक बात है यार इवन इफ आई विद द अपॉइंटमेंट एंड आई डोंट थिंक कि यह होना चाहिए था एंड आई थिंक कि बैगेज होगा बाबर के पास और बाबर स्ट्रेस में खेलेगा अब और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा

कोई लोग और आपको भी होना चाहिए सबको होना चाहिए जिस तरह हमने एक इस को कैप्टनसी वाली को अप्रोच किया करें आप बट अल्टीमेटली इस बात को याद रखें कि टीम पाकिस्तान की है और कप्तान उसका जो भी हो आप उसको बैक करो बाबर जिस तरह की सर्कमस्टानसिस में भी आए हैं अब वो कप्तान है नाउ इट्स वन नेशन बिहाइंड बाबर हाउ केन यू विश के आपका ठीक है मान लिया अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान फेल <laughs> <laughs> <क्यू? laughs> <क्यू? laughs> <laughs> <जाते> हो क्यों क्यों चाहते हो किस किस्म के इंसान हो यारत या yeah. अभी तो शुक्र कर लोगों ने और पॉलिटिकली मनाया कि वो आफरीदी yeah. ने कोई बयान दिए थे कुछ pissed off PTI supporters एंड nah. शाहीन इज प्रो PTI तो पीपल कैनट इवन मेक सेंस ऑफ दैट वरना अगर एक तरफ होती ना वो लाइन <laughs> अगर वो दोनों एक ही oh चीज करते तो तुम देखना रहे कि ये, ये न्यूज़ ये बन जानी थी दैट वुड गॉड डैम हेडलाइन ये आपके मुल्क का हाल है सनसनी माहौल पैदा करना ना सेंसेशन पैदा करनी है Hmm. That's the way to go over here. Unfortunately, that's why you guys come to this show because we don't give you any that any kind of that sort of crap. अच्छा yeah. हम बहुत ज़्यादा digress करके हाँ. हम शाहिन की captaincy की बात कर रहे थे जो hmm. उसे हटा था वो शाहिन कैसा feel कर रहा होगा। तो so, अच्छा उसमें बेसिकली जब ये सब कुछ उसका कोर्ट जो था hmm. वो हो गया उसके बाद मोहसिन नकवी गया मोहसिन नकवी ने जाके वहां पे एटलीस्ट एक चीज अच्छी की जो मुझे hmm. अच्छी लगी अपनी मिस्टेक को नब किया एंड आई थिंक वी शुड क्रेडिट द पीसीबी फॉर दिस फॉर लुक वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर ना ओनरशिप ऑफ मिस्टेक नहीं होती नहीं होती लोग ना किसी पर इल्जाम लगा देते हैं ब्लेम हाँ, हाँ. उसकी वजह से ये हो गया हाँ. भाई मैं क्या करूं पॉइंटिंग फिंगर्स ऑल दैट स्टाफ नो वन एवर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक्स ओनरशिप ऑफ देयर स्क्रू अप दी सी बी एक्चुअली एक्नॉलेज काइंड on that. Mm -hmm. I and they apologized as well. Uh -huh. ab nah. wo alag baat hai ke lingering dissatisfaction शाहीन के अंदर क्यों ना हो इतने सब कुछ होने के बाद क्यों ना हो मैं समझ सकता हूँ मगर least from what we are told, शाहीन और बाबर गुड विद इच अदर अब मैं राशिद लतीफ की बात से हल्का सा अग्री करता हूँ यहाँ पे कोई पता नहीं अंदर अब इतनी चीजें जब आपने कर दी है टू बिगेस्ट सुपर स्टार्स एंड यू पिट इट दम अगेंस्ट इच अदर ये 90s क्रिकेट का प्रॉपर थ्रोबैक हुआ आपने कोशिश की है कि हम वसीम वकार रीक्रिएट करें वो तो बड़े लोग आई गेस इसमें शाहीन और बाबर हैं who mm. haven't let that seep through to that point where they're not talking to each other yeah. अगर मैं कहता तो कि हल्का सा रिफ्ट हो भी एटलीस्ट दे आर विलिंग टू वर्क विद ईच अदर एंड दे आर हैविंग दोस कन्वर्सेशंस एंड सारे लड़कों का ग्रुप जो है वो yeah. अभी भी ठीक ही लग रहा है ब्रो बस एक गेम होना चाहिए ब्रो

चार पांच साल बाद फिनिश किया था मैच अभी रिसेंटली उसके बाद आई एम गोना डू दैट ठीक है बट या आई होप दैट बाबर जॉइन कैन रिमेन फ्रेंड्स एंड रिमेन सिविल एंड नो क्योंकि नजर आ रहा था कि इस वक्त बहुत ही mm.

that's how menna. captaincy decision should be made they uh -huh. should be cyclical you should look at a span uh -huh. or period within cricket jiske andar major event ke baad aap baith kar evaluate karo aur agar aapne fark direction lena hai tab aap wo faisla karo aur theek hai main manta hu shan we lost 3 nil in australia hmm. i saw some signs of improvement captaincy oh, yeah. wise right improvement kya so, uh yeah, there were some really uh -huh. good signs he so, manufactured I some dismissals uh -huh. so i want ke let him continue in this role man hmm. i think he will flourish yeah नहीं फ्लरिश किया तो हटा देना बाद में यार देखते हैं अभी दो होम सीरीज ना? आ रही हैं ठीक हाँ। है बांग्लादेश और ये तो दे दो ना प्लीज प्लीज, प्लीज ना हटाना है बांग्लादेश इंग्लैंड होम पे फिर साउथ अफ्रीका वे हाँ। बस ये तो फिलहाल दो ना हाँ। से वेस्ट इंडीज भी आएगी कहीं होम पे वो तो पाकिस्तान को जीती जानी चाहिए बट शान मसूद को बाबर और शान के درمیان ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा सीन होगा

क्सेप्टी उमर अकमल हम उधर नोट करेंगे <laughs> <laughs> और भाई उमर अकमल ने भी एक स्टेटमेंट दिया क्या स्टेटमेंट नकवी कोई रास्ता बनाओ मुझे किसी से इन टच करो या कुछ ऐसा करो कि मैं अपनी फिटनेस भी इंप्रूव सब कुछ करो आई वॉन्ट टू प्ले नेशनल टीम ऑफ एंटाइटलमेंट लास्ट शो में आई स्पोक अबाउट आमिर ऑफ वापस नहीं था कि मुझे सामने आई थी ये मतलब

और एक्सपेक्टेड है कि एक दो दिन में अनाउंस हो जाएगी पता नहीं होती है या नहीं क्योंकि पी सी बी इज स्टफ के हेड कोच गैरी कर्स्टन आ रहा है और असिस्टेंट कोच जेसन गिस्पी आ रहा है पहले रूमर्स ये थे कि सेपरेट कोचेज रेड बॉल एंड वाइट बॉल और एक रॉन्की रूमर भी, भी, भी था सो हाँ. so, ये दोनों के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं एंड

quadrupled the amount he asked for and he refused. Why? Hmm. Because of your track record. ठीक hmm. है उसने जब बात की होगी हमने बात पहले भी की थी ये टेट और हेडॉस से बात की होगी तो उन लोगों ने बता दिया कि भाई यू डोंट वॉन्ट बी हेर एक hmm. सीरीज की गंदी सीरीज के बाद आपको निकाल देंगे पेमेंट्स की भी पता नहीं टाइमिंग क्या है yeah. यहाँ पे और और फिर देर इज द मीडिया द टॉक्सिसिटी द लीकेज ठीक लीके, है सो आई वुड बी सरप्राइज इफ गिलेस्पी इन कर्स्टन फॉल्स थ्रू बट

I initially thought आई he wouldn't be interested ठीक yeah. है because Gujarat is a big gig IPL you know नो इज ह्यूज और आप थोड़ा सा काम करके साल में without any stress बहुत पैसे कमा लेते हो बट मे बी यू नो टू मिलियन डॉलर हैजी कैरी क्वेश्चन interest पता नहीं two million अब ऑफर भी कर रहे हैं उसे या नहीं but then again, करने चाहिए वो तो yeah, वो, Kirsten है. वो उसको करने में सेंस बनती हाँ. है Watson को नहीं बनती थी हाँ.

That would be perfect. I, I love that. Haan. I love that. And uh, maybe you can keep a mentor for tournaments. Uh, keep Rehan as the manager. I mean, that won't happen now. Why? I don't think i will happen. Abhi abhi to nikal le usse. I mean. Aagay Babar wapas aasakte the. Anilag ko wapas. अभी टाइटल भी लेकर दी है उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आई मीन रियान भाई यार आई मीन वी इफ यू आर वाचिंग दिस यू आर गोइंग टू कम ऑन आवर शो एट वन पॉइंट व्हेनेवर यू इन इस्लामाबाद नेक्स्ट वो बात हमारी हो चुकी है आप आ रहे हो उसमें uh. कह uh. दिया मैंने शो पे कह दिया लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हां बेशक वो अब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप हो या ना हो आपको uh. निकल के आना पड़ेगा और अगर आपका कोई सीन बन रहा तो बताएं जल्दी ताकि उससे पहले आपको बुला लें उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बुलशिट ना हो जाए हां सो यू हैव डू दैट बट आई लाइक दिस आई लाइक द रूमर क्या पता साथ बाय द टाइम दिस एपिसोड

क्या वो क्या लव्ज में इस्तेमाल करने लग गया था पर्खचे, पर्खचे। पर्खचे, उसने पर्खचे। जब पाकिस्तान अभी गया था ना न्यूजीलैंड तो पर्खचे, <laughs> पर, पर, अच्छा था <laughs> हाँ, उड़ाए थे उसने तो फिन एलन की वो वीकनेस थी लेफ्ट आर्म सीमर लेफ्ट आर्म सीमर को ठीक है फुल ओ मारे शॉर्ट ओ मार रहे सो

तीसरे दिन उसको गैरी स्टेट न्यूजीलैंड के कोच ही कॉल है कि तू कप्तान है सीरीज वो सो माइकल ब्रेस्वेल स्पीक इन लाइफ इस तरह की कॉन्फिडेंस से बंदा आ रहा है उड़ा देने पाकिस्तान पाकिस्तान <laughs> सीरीज आ जाएगी Bro, <laughs> yeah. What are three days? <laughs> yeah, that is probably the best three days he would have ever had in his life, or, or most people would, uh -huh. for that matter. But I would still say that look, batting wise, New Zealand uh -huh. have enough to disturb uh -huh. Pakistan. Or yeah, And yeah. spinners, be, jalo, dallo, Bracewell, Sodhi, aapre din pe shayad kuch kari mm. Koi pata nahi, experience to hai. Yeah. When it comes to seam bowling, unless they unearth some new superstar, mm. they're going to suffer. Ben Sears hai. Bura nahi hai. Haan, He's good he's, he's, all right. he's, he's good. He's yeah. alright. Oh. अभी देखा था ना हाँ तो हाँ डिसेंट था एक हाँ। वो विलियम और और क्या ही इज रियली गुड ही टुक सर लॉर्ड ऑफ विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली आई हैव टू सी कि T20 कैसा बोल रहे हैं but basically पाकिस्तान शुड विन द सीरीज दे आर फेवरेट बेंड लिस्टर भी है आई होप सादी आई रियली होप दैट दे रेस्ट अ फ्य� रिजवान को रेस्ट करो ताकि उस्मान खान ट्राई कर सको नसीम शाह को रेस्ट नसीम शाह को, को वर्ल्ड कप मे, मेरी तरफ से नसीम शाह वर्ल्ड कप में वापस आए मेरी तरफ से लास्ट वाला टी ट्वेंटी इंग्लैंड के इंग्लैंड की सीरीज में वापस इंग्लैंड के दो दो मैच खेलने वहां पे और फिर वर्ल्ड कप में पर exactly, नसीम शाह रेस्ट कराओ रिजवान रेस्ट कराओ इफ्ती को रेस्ट करा दो नहीं नहीं मगर इफ्ती बहुत देर से खेल रहा है यू हैव टू रियलाइज दैट इफ्तिखार हैज नॉन स्टॉप क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज अ लॉक

आजम आजम खान खान में कह रहा उसको तो सारे आजम आजम खान खान को यार सही एंट्री पॉइंट पे खिला दो पूरी सीरीज़ एक खेले जाके हारिस खिलाओ मो हारिस तुम भूल जाते हो ना उस बेचारे को निकाला उसको बड़ा जरूरी खिलाओ मुझे बहुत डर पता है कैसे खिलाओ उसे If you want to open with Barber and Simon, you don't lose a wicket in the power play. Send, send him, him at a death. Uh. Send him at the death. Pinch hitting. If you don't lose Haan, a wicket, if you go. don't lose a, if you lose yeah. a wicket, send him for the power play. In, in the power play, yeah. If you don't lose a wicket, send, send him for death the... over pinch hitting and use him as an ifti. Nah. And he is a live wire in the field. So even no. the days when he doesn't score runs, wo field may आपको हाँ but net positive ही nah. Yeah. Okay. और क्या अच्छा बस, बस ये बसॉर्ड्स की बात हो गई अच्छा। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो रिलीज हो स्कॉर्ड्स आ गई हो हमें क्या हाँ, पता हो सकता है अभी आ गई हो हम यहाँ बैठे हुए कोई आइडिया नहीं हमने ऑनेस्टली आई थॉट ओरिजिनली हमने बहुत देर कर दी है पॉडकास्ट रिटायर कर रिटायर करने रिटायर नहीं हो रहा पॉडकास्ट अभी जिंदा है रिकॉर्ड करने में मुझे लगा हमने साथ बड़ी देर कर दी है बट आज कुछ है ही नहीं एक खबर आ गई आज अच्छा क्या

बंदा 150 प्लस बोलिंग कराता था पी एस एट का सेकंड हाईएस्ट विकेट टिकट था उसके बाद उसने

डायग्नोसिस कहना गलत है बट देर वॉज ए डिले डायग्नोसिस तो हुआ ये है कि आपको लगा कि उसका कोई इंजरी है उसकी और आपने उस पर ना रीहैप करना शुरू किया उस सारे वर्क में जो वर्कलोड आ रहा था mm -hmm. साल ला पे उसकी इंजरी एग्रीवेट हुई इट वॉज इन फैक्ट एन एल्बो फ्रैक्चर

By the name of Dr. Mughal. Mm -hmm. Dr. Mughal him and he was like, oh my God, he has an undiagnosed shoulder issue too. तो to आप उसके बारे में तो कुछ बोली नहीं रही डॉक्टर सोहेल सीम कि आपने उसका शोल्डर भी नहीं देखा हुआ पहले एल्बो खराब की

अब ये सोर्सेस सॉलिड सोर्सेस से न्यूज है ठीक है कि बैक लोअर बैक आई थिंक और शोल्डर बोलिंग आर्म इसमें कंप्लेन करा था आपने कुछ नहीं किया

so you guys are clearly doing something wrong with respect to managing your fast back the fast bowlers. in उमर जुनेदान किया जुनेद खान, किया जुनेद खान, किया। हैं। हाँ। T20 जुनेद खान को पहले आपने इस्तेमाल ही नहीं किया टाइम पे और फिर उसको खराब भी कर दिया इंजरी पे and मिसमैनेजो is just the latest victim. मिसमैनेजिंग इंजरीज

या कई जगहों पर मुझे डैम और स्क्रू अप करना Bro, uh, मैं कह रहा कि शुक्र लास्ट लास्ट है हमारा yeah. पाकिस्तान yeah. शो रमज़ान आई yeah. एक आईपीएल yeah. का करेंगे हम yeah. uh, वो उसमें भी नहीं देंगे गालियां उसके yeah. बाद रमजान के बाद फिर खुल yeah. के आएंगे yeah. खैर एक और सुनने में बात यह मोहसिन नकवी ने बात की अली तरीन से और उसने उठाएगा मोहसिन नकवी एहसान के मोसनक भी उठाएगा या पीसीबी उठाएगा पीसीबी <laughs> एक ही बात है <laughs> 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 बात तो एक ही इंटीरियर मिनिस्ट्री उठाएगी हां <laughs> तो चलो अच्छी बात है अगर अगर हाँ, तो हो बट यार इट्स जस्ट सो ट्रैजिक और गौरव भाई त्रिपाठी भाई मतलब था हमारे पास भी देयर वाज अ पाकिस्तानी मायंक यादव ही ब्रोक ऑन टू द सेम सीन द एग्जैक्ट सेम वे एंड वी इमेजिन ग्रेट स्टफ फॉर असानोला नाउ वी प्रोबब्ली हियर वंडरिंग

अगर था मैंने देखा नहीं <laughs> सही है मगर मेरी इनिशियल थॉट ये थी कि वो पाकिस्तान को आप आइसोलेट कर दोगे इससे ये भी मारे जाएंगे हम यहाँ पे मगर फिर जब पीस पड़ा तो पता चला कि निक कमिन्स कह रहे हैं कि नहीं ही वांट्स टू सी द मुंबई इंडियंस कम्पीट विद द कराची किंग्स पहले तो निक कम्स भाई ये होना नहीं है पीस ने वहां तक पहुंचना नहीं है अगर आपने कर भी दी ना वो नहीं पहुंचेंगे That might be a pipe dream, even if you're able to see this. I execute mean, Mumbai this. versus Karachi sounds Haan. good. But, like, the team is shit. Kya Punjab Kings versus Karachi Kings. PBKS KS versus, versus KIKS. <laughs> Kicks. <laughs> Kicks. <laughs> anyway, uh, so I let's... mean, Punjab versus Lore Calendars. Oh, 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 oh. Boom! Money right there. Wow.

एशिया कप बनाया था हमने एशिया कप के दौरान हाँ तो खैर एक और मसला है साथ द अदर ऑब्वियस यार मुंबई इंडियंस मुंबई एमरिट्स मुंबई न्यूयॉर्क mm -hmm. ट्रेंट बोल्ट प्लेस फॉर मुंबई न्यू यॉर्क एंड मुंबई एमरिट्स डजेंट प्ले फॉर मुंबई इंडियंस उसने आकर मुंबई को मार दिया था <laughs> राशिद खान की अगर लाहौर भी हो जाती है और गुजरात टाइटन भी हो जाती है तो राशिद खान से खेलेगा ऑब्वियसली yeah. गुजरात से खेलेगा वैसे तो wow. मगर ये एक मसला हो जाएगा कि आपके फिर वो फॉरन प्लेयर्स मल्टीपल टीम्स में अगर जीत गए एक साल में लीग दे वेरी ह्यूज इशू और फोर गेट पी एस एल दे प्लेयर्स वाली फ्रेंचाइज ने फाफ उठाया वे एस ट्वेंटी में yeah.

सीपीएल uh, से कोई टीम आई है ना हुँ. तो उधर का जो लोकल प्लेयर होगा ना वो तो उधर ही खेला हाँ. तो उधर ही खेलेगा ना? नहीं बेसिकली फॉर एग्जाम्पल एंड्रिड रसल है वो के के आर में वाकई लगता है कि अगर, let's नहीं, नहीं, होनी चाहिए ना जो मेकअलाट के

ये इसलिए खाया क्योंकि सुपर जायंट्स के साथ डील थी yeah. लखनऊ सुपर yeah. सुपर जायंट्स जायंट्स डर्बन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन एंड सुपरबिन पीपल ऑन मल्टीपल इंट्रैक्ट इट है आपके सामने yeah, जिस तरह पे बात करते हैं ना गवर्नमेंट की जॉब लग जाए बदना हर uh, महीने आपको आएगी पे आएगी कोई मसला नहीं होगा आप निकाले नहीं जाओगे जॉब से। इसी तरह उनकी भी रोजी board board क्या कर रहा ट्रेंड बोर्ड पूरा सर्किट खेल रहा है हाँ. मगर अपनी इंडियन यू नो ओनर्स लिए खेल रहा है? फॉर द मोस्ट पार्ट तो यहाँ पे राजस्थान yeah. के लिए और वहां पे मुंबई के लिए बट ही इज बेसिकली अर्निंग ईयर लॉन्ग लिविंग आउट ऑफ

Like I I, I yeah, ये, ये तो हाँ, वैसे एक तो टॉयलाइट ऑफ देर करियर्स अगर इस तरह का कोई और प्लेयर भी हो जिसने सिर्फ टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलनी है जो मैं मानता हूँ सिर्फ आर एस राउफ है जिसको टी ट्वेंटी के लिए स्पेशलाइज कर लो हुँ. या बहुत ज्यादा हुआ तो वन डे के लिए टेस्ट में तो उसने नहीं आना अब

वीडियो पसंद आई हो hmm. तो लाइक बटन पे क्लिक करें सब्सक्राइब टू तो अवर चैनल बहराम मुझे हर जगह फॉलो भी कर दे रिंग आइकन पे क्लिक भी कर देन we'll अल्लाह